हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए धनिया पुदीना चटनी की एकदम आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। धनिया और पुदीना की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैं एक कटोरी धनिया ली हूँ, तो डंठल के साथ ही लेंगे इसे। इसका डंठल नहीं फेंकेंगे क्योंकि फ्रेंड्स इसके डंठल में भी बहुत स्वाद होता है, तो इसे फेंकना नहीं है। और इधर मैं एक छोटी कटोरी पुदीना पत्ती ली हूँ, तो जितना धनिया लेना है उसका आधा हम लोग को पुदीना पत्ता ले लेना है। इधर मैं चार लहसुन ली हूँ, दो हरी मिर्च, एक आम का अचार। तो गाइज ये घर का आम का अचार है, पर अगर आप लोग के पास घर का आम का अचार ना हो तो आप लोग मार्केट में जो रेडीमेड आम का अचार आता है ना, वो भी ले सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आधी नींबू का रस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ आधी छोटी चम्मच नमक ली हूँ। तो सभी चीज़ों को मिक्सी ग्राइंडर में डाल देंगे। वैसे तो ये चटनी अलग अलग तरीके से बनती है, पर बिहार में जिस तरह से ये चटनी बनती है मैं वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पर गाइज ये चटनी की रेसिपी सिंपल के साथ साथ बनती भी बहुत स्वादिष्ट है। तो सभी चीज़ों को डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। अब इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल के चटनी को एकदम चिकना पीस लेना है। तो गाइज इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे पीसते वक्त। तो ये रेडी हो चुका है, अब इसे कटोरी में निकाल लेंगे। आधी छोटी चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाल देंगे। तो बिहार में जो चटनी बनती है उसमें कच्चा सरसों का तेल ही डाला जाता है, और कच्चा सरसों का तेल से इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो ये चटनी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो कैसी लगी ये रेसिपी आप लोग को? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।